Hello kids, very good morning to all. Welcome to Shivasi Group of Institutions online classes of Lesbogia Preschool. Today's date is 16 October 2020 and day is Friday. Kids, it's time for English recitation. Today we will recite English rhyme based on paper from your book. Okay? Kids, chaliye, let's start. Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor. Makes a place untidy, makes a place untidy. Pick them up, throw it in the dustbin. Kids, repeat it again. Bits of paper. Bits of paper lying on the floor, lying on the floor. Makes a place untidy, makes a place untidy. Pick them up, throw it in the dustbin. Kids, repeat it many times, learn it well, thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is English Oral. So take out your English with phonic book and open the page number 24. So kids, आज हम लोग अपनी English with phonic book से पेज नंबर 24 की रीडिंग करेंगे. Let's start. First है A B, A B sound word. A B किस क्या साउंड होती है? A B, ऐप. और इनसे रिलेटेड ये वर्ड्स हैं. चलिए रीड करते हैं. का ए ब कैब, सी ए बी कैब. डा ए ब डैब, डी ए बी डैब. जे ए बी जैब, जा ए ब जैब. ला ए ब लैब, एल ए बी लैब. ना ए ब नैब, एन ए बी नैब. ट ए ब टैब, टी ए बी टैब. कैब डैब जैब लैब नैब टैब. अब नेक्स्ट साउंड है ए डी साउंड वर्ड, एड एड. एड से रिलेटेड वर्ड्स हैं ड एडा डैड, डी ए डी डैड. ह एडा हैड, एच ए डी हैड. ला एडा लैड, एल ए डी लैड. पा एडा पैड, पी ए डी पैड. सा एडा सैड, एस ए डी सैड. डैड हैड लैड पैड सैड. अब नेक्स्ट साउंड वर्ड आता है एग. ए जी से साउंड वर्ड हुआ एग. और इनसे रिलेटेड वर्ड्स हैं बा एग बैग, बी ए जी बैग. जी ए जी जी ए जी गैग. गा एगा गैग, जी ए जी गैग. गैग मीन्स किसी को बोलने से रोकना, उसे गैग बोलते हैं. ला एगा लैग, एल ए जी लैग. एन ए जी नैग, ना एगा नैग. आर ए जी रैग, रा एगा रैग. टा एगा टैग, टी ए जी टैग. व एगा वैग, डब्ल्यू ए जी वैग. वैग, जब डॉगी अपनी टेल को हिलाता है तो उसको वैगिंग कहते हैं. व एगा वैग. बैग गैग लैग नैग रैग टैग वैग. Kids, learn it well, read it well. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class, that is English written. So take out your English notebook where I have done the setting of 16 October 2020 and day is Friday. बच्चों, आज हम लोग English में picture labeling exercise करेंगे, okay? इसमें क्या करना है? आपको ये पिक्चर दिए होंगे, इनको आपको रिकॉग्नाइज करके इनके नेम यहाँ पे राइट करने होंगे. इस पिक्चर का यहाँ पे नेम राइट करना है. तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज बी ए टी बैट. सो हियर विल बी राइट बैट, बी ए टी बैट.
B-A-T, bag. Next, ये man fat है, fat, F-A-T, fat. So, here will be write, word fat, F-A-T, fat. Next, what is this? This is cat, C-A-T, cat. So, here will be write, word C-A-T, cat. Next, M-A-T, mad. So, here will be write, word M-A-T, mad. Next, what is this? This is red. So, here will be write, R-A-T, red. Okay, kids? Now, you can do it, okay? Do it directly. Thank you. Hello kids, it's time for Hindi recitation. बच्चों, आज हम लोग हिंदी recitation में अच्छे बच्चे नाम की rhyme को learn करेंगे, okay? Let's start. नन्हे मुन्ने हम हैं बच्चे, नन्हे मुन्ने हम हैं बच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, आपस में हम कभी न लड़ेंगे, आपस में हम कभी न लड़ेंगे, हिम्मत से हम आगे बढ़ेंगे, हिम्मत से हम आगे बढ़ेंगे, मन पढ़ने में सदा लगाते, मन पढ़ने में सदा लगाते, सही समय विद्यालय जाते, सही समय विद्यालय जाते. किड्स लर्न इट वेल. थैंक यू. हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास दैट इज हिंदी ओरल. बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी ओरल क्लास में शब्द ज्ञान बुक की रीडिंग करेंगे. सो ओपन द पेज नंबर 26. हम लोगों को अब तक हम लोगों ने स्वर, व्यंजन और दो अक्षर वाले शब्द पढ़े. अब हम लोग दो अक्षर से रिलेटेड सेंटेंस की रीडिंग करेंगे. पेज नंबर 26 में पढ़िए और समझिए. जय उठ. ओके, ज या जय उठ, उठ पूर्ण विराम. जय उठ. ज ल जल, भरा भर पूर्ण विराम. जल भर. जय उठ जल भर. घ रा घर. च ल चल पूर्ण विराम. इट मीन्स होता है कि हमको यहाँ पर रुकना है. घर चल. डर मत, डरा डर. माता मत, डर मत. अब हमको यहाँ पे रुकना है, डर मत. फ ला फल. च ख चख. फल चख पूर्ण विराम. इट मीन्स कि हमको रुकना है. फल चख. नया सेंटेंस है, नया वाक्य है. लड़ लड़. मत मत, लड़ मत पूर्ण विराम. इट मीन्स कि हमको रुक जाना है. ये सेंटेंस खत्म हो गई, ये लाइंस खत्म हो गई है. नेक्स्ट सेंटेंस है, सचा सच. कह कह. सच कह पूर्ण विराम. इट मीन्स कि ये लाइन खत्म हो गई है, अब हम लोगों को रुक जाना है. सच कह. हल रख. धन रख. खत खत पढ़. जग ढक. मग रख. किड्स, आज हम लोग को सिर्फ ये एक ही पैराग्राफ की अच्छे से रीडिंग करनी है. ओके, डू इट वेल. थैंक यू. हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास दैट इज हिंदी रिटेन. सो टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक शब्द सुलेख एंड ओपन द पेज नंबर 18. बच्चों, पहले हम लोगों को डेट मेंशन करनी होगी. डेट ये है 16 अक्टूबर 2020. ओके, नाउ स्टार्ट आवर वर्क. अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं.
तो ऐसे ही इसको ये है ना ला नल, इसको देख के सीधे हम लोगों को कॉपी करनी है। तो ना फिर लिखा नल, वा का वक, ये है घर। तो लिखा हम लोगों ने यहाँ पर देखकर ऐसे घा रा घर। अब ये है रथ, रा था रथ। अब इसको सेकंड लाइन में भी ऐसे ही आपको इसको देख के ये दो लाइन नल वक घर रथ को यहाँ पर लिखना होगा। अब नेक्स्ट लाइन में शब्द हैं जला जल, टा बा टब, ना टा नट, का पा कप। इसको भी हमको यहाँ पर ऐसे ही देखकर ऐसे लिखना है जा ला जल टा बा टब। अब है ना टा नट, अब है का पा कप। अब सेकंड लाइन में भी यही शब्द कॉपी करके आपको लिखने होंगे। थर्ड लाइन में शब्द है जड़ गज नग फल, और आपको भी सेम एस इसको देख के ऐसे ही लिखना होगा जड़ गज किड्स। आपको ये ऐसे ही देख के इसको टू टाइम लिखना होगा किड्स। नाउ आई हैव डन माय वर्क, नाउ इट्स योर टाइम, डू इट नीट एंड क्लीन। थैंक यू। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास दैट इज मैथ्स रिटन। सो टेक आउट योर मैथ्स नोटबुक वेयर आई हैव डन द सेटिंग ऑफ 16 अक्टूबर 2020 एंड डे इज फ्राइडे। Kids, today we will learn about spelling of number 3. आज हम लोग number 3 की spelling को write and learn करेंगे, okay? Let's start. Number 3. T. T को हमें capital letter से start करना है. T. H. R. Double E. 3. T. H. R. Double E. 3. फिर से हम लोग इसको ट्राई करते हैं टी एच आर डबल ई। अगेन वी विल राइट टी एच आर डबल ई 3। फिर से हम लोग ट्राई करेंगे टी एच आर डबल ई 3। Once again, then you will write T H R double E 3. Okay? आप लोग इसी तरीके से नोटबुक में सेटिंग के अकॉर्डिंग आप लोग नंबर 3 की स्पेलिंग को नीट एंड क्लीन राइट करेंगे. Okay? Do it neat and clean. Thank you. Hello kids, welcome back to your next class. That is Maths Oral. Kids, आज हम लोग मैथ में ओरल क्लास में टू एक्सरसाइज को लर्न करेंगे. फर्स्ट इज इसकी काउंटिंग ऑफ टूज, ओके, एंड सेकेंड इज स्पेलिंग नंबर्स नेम फ्रॉम 1 to 5, ओके। पहले हम लोग इसकी काउंटिंग करेंगे टूज की, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ओके। इसकी काउंटिंग में क्या होता है, हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसमें वन नंबर को स्थित करते हुए हम लोग सेकेंड नंबर पे आगे जाते हैं, ओके। चलिए लेट्स रिपीट इट अगेन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ओके। आपको ये टू की स्किप काउंटिंग टेबल को लर्न करने में हेल्प करेगी, इसलिए आपको टूज के स्किप काउंटिंग को अच्छी तरीके से लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पेलिंग।
नंबर्स ऑफ फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेके 5 तक की नंबर्स नेम को, नंबर की स्पेलिंग को लर्न करना है। चलिए शुरू करते हैं। 1, O-N-E, 1, 2, T-W-O, 2, 3, T-H-R-E-E, 3, 4, F-O-U-R, 4, 5, F-I-V-E, 5, ओके रिपीटेड अगेन। O-N-E-1, T-W-O-2, T-H-R-E-E, 3, F-O-U-R-4, F-I-V-E, 5 किड्स लर्न इट वेल, प्रैक्टिस इट वेल। थैंक यू। हेलो किड्स, वेलकम बैक टू योर नेक्स्ट क्लास, दैट इज जीके ओरल। किड्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट डेज ऑफ द वीक। आज हम लोग सप्ताह के दिनों के नेम को लर्न करेंगे। किड्स, हाउ मेनी डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आपको ये लाइन लर्न करनी होगी। देयर आर 7 days इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 days होते हैं। ओके, नेम देम, अब उनके हमको नेम को लर्न करना होगा। तो दीज आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ओके, लर्न इट अगेन। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फर्स्ट डे इज मंडे, सेकेंड डे ट्यूसडे, थर्ड डे वेडनेसडे, फोर्थ डे थर्सडे, फिफ्थ डे फ्राइडे, सिक्स्थ डे सैटरडे, एंड लास्ट 7 days संडे, इट इज फन डे। ओके किड्स, लर्न इट वेल। थैंक यू।